हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैंने तीन अलग अलग तरह के रायते बनाए हैं। खाने के साथ अगर रायता हो तो खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। इन रायतों को बनाना बहुत ही इजी है, तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम फ्रूट रायता। इसे बनाने के लिए मैंने एक कप गाढ़ा दही लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे ग्रीन ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स डालेंगे। इन्हें मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अब इसमें हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी। अब इसमें जाएगा एप्पल। अब डालेंगे अनार के दाने। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1/4 चम्मच पिसा हुआ जीरा डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला। 1/2 छोटा चम्मच पीसी हुई चीनी डालेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमारा फ्रूट रायता तैयार है। तो चलिए बना लेते हैं हम दूसरा रायता। तो बूंदी रायता बनाने के लिए भी मैंने एक कप गाढ़ा दही लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च, चाट मसाला और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बूंदी। यहाँ मैंने प्लेन बूंदी ली है, आप चाहें तो मसाले वाली बूंदी भी डाल सकते हैं। और लास्ट में हम ऐड करेंगे हरा धनिया, इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये बूंदी रायता भी रेडी है। तो अब हम बनाएंगे वेजिटेबल रायता। इसे बनाने के लिए भी मैंने एक कप दही लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, उबले हुए आलू, इसमें जाएगा टमाटर, खीरा ऐड करेंगे। इन सबको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, पिसा हुआ जीरा, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक और लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ती। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये वेजिटेबल रायता भी रेडी है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे ये तीन तरह के रायते तैयार हैं। तो इन रायतों को हम चावल के साथ, परांठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।